अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एनपीआर और सीएए को लेकर कांग्रेस के नेताओं को ही निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बीजेपी के पल्लू में छिपे बैठे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद के निशाने पर बीती रात अपनी ही पार्टी के नेता थे। मौका था रतलाम में एनआरसी और सीएए के विरोध प्रदर्शन का, जिसमें शामिल होने के लिए आरिफ मसूद रतलाम पहुंचे थे, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने मंच से ही पूछ लिया कि क्यों घर में छिपकर बैठे हैं। वे सीएम से कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के पल्लू में छिपे बैठे हैं। उससे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरिफ ये आंदोलन का रुख दूसरी तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। मैंने कहा सही है मुख्यमंत्री जी, और सही इसलिए है कि हम बात कर रहे हैं अंबेडकर की, हम बात कर रहे हैं गांधी की, और आपके कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के पल्लू में छुपे बैठे, इसलिए यह आंदोलन हमारा बिगड़ना। आपके नेताओं को बोलना पड़ेगा, और मैं कहना चाहता हूं रतलाम की मां बहनों से और तमाम मजमे से कि जब ये कांग्रेसी आपके दरवाजे पे आए तो इनसे ये सवाल जरूर करना कि जब हमारी मां बहने रोड पर बैठी थी तुम कहां थे। मफादों को निकालो और ये शख्सियतों को निकालो और खुद मुख्तार बन के मुत्तहिद हो, सब तुम्हारे घर आएंगे, ये मैं कहता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी नेता सीएए के विरोध प्रदर्शन से दूर हैं, वे परेशानी में आ जाएंगे। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के कहने के बाद भी कांग्रेसी कौन से आदेश का इंतजार कर रहे हैं पता नहीं। आरिफ मसूद ने मंच से जनगणना के पॉपुलेशन रजिस्टर का भी विरोध कर दिया और लोगों से उसमें जानकारी ना देने की भी अपील की है। और मैं अपनी पार्टी के नेताओं को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत परेशानी में आ जाओगे, मेहरबानी करके अब घरों से निकलिए आओ। और मैं तो ये नहीं पहचान पा रहा कि जब आप इनसे बात करना, आपके बीच मिले तो बोलना कि भाई सोनिया गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, प्रियंका गांधी लाल किले पर बैठ गई, अब आपको किसका इंतजार है, कौन से आदेश का इंतजार है, वो तो बताओ, और कौन से नेता से आदेश चाहते हो आप। आरिफ मसूद के बयान के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया। मंत्री पीसी शर्मा सफाई दे रहे हैं तो बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मैं समझता हूं कि सीए के मामले में सबसे पहले वोकली अगर कुछ दो लोग बोले हैं मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूं कि एक दिग्विजय सिंह जी और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, मार्च रोशनपुरा से निकाल कर उन्होंने गांधी जी के स्टेचू पे गवर्नर हाउस के सामने वहाँ गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाए थे। उस समय स्पष्ट कहा था कि सीए मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, एनआरसी लागू नहीं होगी, कैबिनेट ने पास कर लिया है, तो पूरे के पूरे मंत्री, मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब इन सब चीज़ों को कह चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा। आरिफ मसूद समझते नहीं कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय निकलती है मुसलमानों की चिंता करने के लिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है ही नहीं, और जिन स्टेटों पे चुनाव है वहाँ वो कांग्रेस को वोट देने ही वाले नहीं है, इसलिए कांग्रेस के बारे में उनकी राय है उसको पुष्ट कर लें आरिफ जी। कुल मिलाकर एनसीआर, एनपीआर और सीएए को लेकर आरिफ मसूद के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के कई नेता सीएए का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।